नमस्ते फ्रेंड्स, केम छो? मजा मा। तो बहुत दिनों पहले ना मुझे ये पिकॉक थीम का हाफ केजी का ना ब्लैक फॉरेस्ट केक का ऑर्डर आया था, तो ये मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से ना मैं वीडियोस अपलोड रेगुलरली नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। तो आज से मैं ना रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। तो बहुत दिनों पहले का ना ये मेरे पास वीडियो पड़ा था, तो मैंने सोचा आज अपलोड कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने ना चॉकलेट का स्पॉन्ज बेक किया था, लेयरिंग कर ली थी चेरी के क्रश के साथ, और अब मैंने इसे फाइनलाइजिंग कर लिया। अब मैंने ना एक पाइपिंग बैग में ना नॉर्मल राउंड वाला जो अपना नोज़ल आता है ना, नॉर्मल वो नोज़ल फिल किया है। उसमें ब्लू कलर की ना, पिकॉक ब्लू कलर की ना मैंने क्रीम फिल की है, और इससे ना मैं पिकॉक का जो बॉडी होता है ना वो ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से। अब मैंने ना एक OHP सीट को कट कर लिया है और उसकी मदद से ना मैं इसकी स्मूदनिंग कर रहा हूँ। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप अगर ट्राई करोगे ना तो आपसे भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले ना पिकॉक की बॉडी अच्छे से बना रहा हूँ। तो फेदर्स के लिए ना हम आगे दिखाएंगे फेदर्स कैसे बनाए हैं हमने। तो यहाँ पे ना हमारी पिकॉक की बॉडी बन गई है। अब मैं ना उसकी जो ऊपर की जो डिज़ाइन होती है ना सिर के ऊपर, उसके लिए मैंने ना ये OHP सीट को ना नॉर्मल से उस क्रीम में डिप किया है और ऐसे ना स्टॉक दे रहा हूँ, मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ वीडियो में दिखाए गए तरीके से, ताकि ये जो पिकॉक के सर के ऊपर जो ताज जैसा बना होता है ना, उसे हम गुजराती में कलगी कहते हैं, तो वो बना दिए मैंने। तो बस हमें OHP सीट को डिप करना है और ऐसे ही ना लगा देना है वीडियो में दिखाए गए तरीके से। अब मैं अच्छे से वापस से ना स्मूदनिंग कर लेता हूँ साइड से और सब जगह से। आपसे जितना हो सके ना उतना अच्छे से स्मूदनिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने ना उसी नोज़ल में वही क्रीम लिया है, वही नोज़ल ली है, और उससे ना ऐसे ड्रॉप वाली डिज़ाइन बना रहा हूँ वीडियो में दिखाए गए तरीके से, ताकि ये ना थोड़ा सा जो टेक्सचर होता है ना वो बन जाएगा हमारा। हालांकि पिकॉक की जो पंख होती है ना उसका कलर थोड़ा अलग होता है, ब्राउनिश होता है, पर यहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना था। मुझे ना इमेज सेंड की थी कस्टमर ने, तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। अब मैंने ना फेदर्स बनाने के लिए ना मैंने मोर पिच कलर और ग्रीन कलर, एक डार्क ब्लू है, एक नॉर्मल ब्लू है, और एक मैंने ग्रीन कलर की क्रीम बनाई है। उसको मैंने ना नॉर्मल सी N1 नोजल वाली पाइपिंग बैग में ना फिल किया है और ऐसे स्वॉल वाले ना रोजेट बना रहा हूँ। इससे ना हमारे फेदर्स बन जाएंगे। आपको रेंडमली आपको जहाँ पर अच्छा लगे ना वहाँ पर आप रोजेट बना दीजिए, तो ये फेदर का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो अच्छे से हम बना लेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे आप ड्रॉप्स भी दे सकते हैं बीच बीच में, जैसे मैं ड्रॉप्स वाली डिज़ाइन दे रहा हूँ। हमें बस फिल करना है इस जगह को। तो यहाँ पे मैं कहीं कहीं रैंडम जगह पे ये कलर जो पिकॉक का पीछे वाला कलर होता है ना, वो बहुत अच्छा क्रीम में हमारा बन के रेडी हुआ है ग्रीन कलर। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ना यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में ना रेड कलर की क्रीम फिल की है। यहाँ मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने ना पाइपिंग बैग को थोड़ा सा छोटा कट किया था, इससे ना ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा अनइवन क्रीम बाहर निकल रहा है। आप थोड़ा सा बड़ा छेद करेंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, या आप वो छोटी वाली राउंड वाली नोज़ल आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरी यहाँ पे पता नहीं खो गई थी तो मैंने ढूंढा नहीं और लेट भी हो रहा था, तो इसके लिए ना मैंने नॉर्मल से कट ही किया है। आप थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे ना तो आपको ये मैं जो स्मूदनिंग कर रहा हूँ ना वो स्मूदनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो यहाँ पर स्मूदनिंग कर ले रहा हूँ। अब मैंने ना कुछ एडिबल गोल्डन वाले जो पल्स आते हैं ना वो लिए हैं, और वो मैंने जो सिर के ऊपर डिज़ाइन बनाई थी ना वहाँ पे तीन मैंने लगा दिए, और जो रोजेट बनाए हैं ना फेदर वाले वहाँ पे बीच बीच में मैं लगा रहा हूँ। अब मैंने आँख के लिए ना मेरे पास एक ब्लैक कलर का शुगर पल पला था, तो मैंने वो लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है, केक बन के रेडी हो गई है। पिकॉक वाली थीम डिज़ाइन आपको पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, जय भोलेनाथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।